नमस्कार, अपने लोग देख रहा छी समदिया .com हम छी पक्ष। अपन कुर्सी बचबाक लेल लगातार तिक्रम कऽ रहल नेपालक प्रधानमंत्री भारतक खिलाफ बेतुका बयानबाजी कऽ रहल अछि। चीनक देखाओल बाट पर चल रहल नेपाली PM KP शर्मा ओली महान इतिहासकार बनैत एकटा अजीबो गरीब बयान देलनि अछि। ओली अपन मानसिक दिवालियापन के जगजियार करैत कहलनि अछि जे भगवान राम नेपाली छै नहि कि भारतीय। ओली भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण के आरोप लगौलनि अछि। ओ एकटा कार्यक्रम में बजैत कहलनि जे भारत नकली अयोध्या ठाढ़ कऽ नेपालक सांस्कृतिक तथ्यक अतिक्रमण कयलक अछि। ओलीक दावा अछि जे असली अयोध्या वीरगंजक लगीच ठोड़ी नामक जगह पर अछि, जतय के राजकुमार राम छला। ओली लोक के संबोधित करैत कहलनि जे आइ तक हम एहि भ्रम में छलहुँ जे सीताक विवाह जाहि राम से भेल से भारतीय छला, मुदा सच्चाई एकर उल्टा अछि। राम भारतीय नहि, नेपाली छथि। हमें अलीगढ़ की सांस्कृतिक अतिक्रमण हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौँ। हामीले सीता भारतलाई भारतका राजकुमार रामलाई सीता दिएको, भारतका होइन अयोध्याकालाई दिएको छौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ। एहि बात के साबित करबाक लेल नेपालक एहि इतिहासकार PM लंग तर्क सेहो विचित्र अछि। ओली कहब अछि जे ओहि समय में कोनो टेलीफोन या मोबाइल फोन नहि होइत छल, लोग लगे पास में ब्याह करैत छल, तैं भारत जहि अयोध्याक दावा करैत अछि ओतेक दूर सँ ब्याह करब के अबैत होयत। यहाँको जनकपुर वहाँको अयोध्या हुन्थ्यो भने कहाँ छोरीको बिहे गर्न खोजेको छ, कहिले के गरेको, त्यस बेलाको जमानामा न टेलिफोन न मोबाइल कताबाट थाहा होस्, थाहा हुन पनि सम्भव थियो, नजिकै पर्थ्यो, सजिलैसँग गयो। त कुल मिलाकर नेपालक PM KP शर्मा ओलीक ई बयान कम कुर्सी बचेबाक बकलोली बेसी लगैत अछि। अपने लोकनिके की लगैए नीचा कमेंट बॉक्स में जरूर बताबी। देखैत रही समदिया .com।